हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल है। आप देख रहे हैं रिपेयरिंग एंड यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपके टू व्हीलर का सर्विस रिमाइंडर शो होने लगा है आपके डैशबोर्ड में, तो उसको कैसे रीसेट या ऑफ करें। बेसिकली होता क्या है कि सर्विसिंग कराने के बाद या फिर सर्विसिंग कराने का जब समय नहीं आया होता है, उसके बाद भी ये जो सर्विस रिमाइंडर ये शो करने लगता है, तो इसको ऑफ करने का क्या तरीका है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली ये हीरो मेस्ट्रो एज है और हीरो के जितने भी टू व्हीलर होते हैं या स्कूटर हैं उनमें ये प्रॉब्लम आता है। तो आप देख सकते हैं ये स्विच है, इस स्विच को आपको 10 सेकंड तक दबा के रखना है। ध्यान रखिएगा, जब आप स्विच को दबा के रखें तो आपको इग्निशन ऑफ कर देना है और इग्निशन वापस से ऑन करना है। और ध्यान में ये रखिएगा कि इस स्विच को छोड़ना नहीं है, उसको होल्ड करके ही रखना है। होल्ड करते समय ही आपको इग्निशन ऑन करना है, तो इससे होगा ये कि जो आपका सर्विस रिमाइंडर है वो कम्प्लीटली चला जाएगा। तो अभी देखिएगा, मैं इसको ऑन करूँगा तो देखिए इसका सर्विस रिमाइंडर चला गया है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। इस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।